उपलक्ष्य वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू की पावन साक्षात्कार दिवस के उपलक्ष्य में ये विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है, और खाली फरीदाबाद शहर में ही नहीं पूरे देश भर में और विदेश में भी ये बापू जी का पावन साक्षात्कार दिवस मनाया जाता है। और साक्षात्कार का मतलब जिस दिन जीव अपने शिव रूप को पा लेता है, जिस दिन आत्मा को अपने परमात्मा का मिलन हो जाता है, उसी पावन दिन को साक्षात्कार दिवस कहा जाता है। और ये विशाल शोभा यात्रा भी उन्हीं साक्षात्कार के पावन दिवस पर निकाली गई है, और 20 तारीख को भी यहाँ पर बापू जी का जो आश्रम है उसमें भी बड़े धूमधाम से बापू जी का साक्षात्कार दिवस मनाया जाएगा, और देश विदेश में भी सभी जगह बापू जी का ये कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी फरीदाबाद वासियों को विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू के पावन साक्षात्कार दिवस की लख लख बधाई हो। हरि हरि। जीवन भर में नशा नहीं होता था। जाम पर जाम
से क्या फायदा, रात को फिर सुबह को उतर जाएगी तो मेरे बापू के सत्संग की प्यालियां पीले तेरी सारी जिंदगी सवर जाएगी। हरी बोल। लेकिन एक बात याद रखना, अंत समय कफन में जेब नहीं होती। बड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सूत्र जाना है, पर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना है। हरि बोल।
फील्ड वाले डॉक्टर को देते हैं तो हॉस्पिटल की याद आती है, काले कोट वाले होते हैं तो कोटर कचहरी की याद आती है, लेकिन भक्तों को देते हैं तो भगवान की याद आती है। हरी हरी बोल।
पोल्यूशन फैलाती है, स्वास्थ्य को खराब करती है, और चलते चलते गाड़ी में पेट्रोल डीजल खत्म होता है तो वो बंद भी हो जाती है और पंचर भी हो जाती है, और चल गई सही तो 4 घंटे 8 घंटे चल के फिर रुक जाती है। लेकिन भगवान के नाम की गड्डी ऐसी चलती है कि जो भी इसमें बैठता है सीधे स्वधाम प्रभु के धाम को पहुंचता है। तो जिसको भी चलना इस गड्डी में सवार हो जाए, क्योंकि ये हरि के नाम की गड्डी है, बापू के नाम की गड्डी है। गड्डी चली है, गड्डी चली है, गड्डी चली है, गुरु के
Thank you.
जाना है कर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना है। आज की ये विशाल शोभा यात्रा भव्य शोभा यात्रा विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू के पावन साक्षात्कार दिवस, साक्षात्कार मतलब जिस दिन आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, जीव अपने शिव स्वरूप को पा लेता है, उस दिन को ही पावन साक्षात्कार दिवस कहा जाता है। और खाली फरीदाबाद में ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेश में भी ये ऐसी विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और कल आश्रम में बापू जी का जो आश्रम है वहाँ भी 12 बजे से 2:30 बजे तक बड़े धूमधाम से बापू जी का पावन साक्षात्कार दिवस मनाया जाएगा। आप सभी फरीदाबाद वासियों को, ओल्ड फरीदाबाद वासियों को बापू जी के साक्षात्कार दिवस
दिवस की लख लख बधाई हो।
व्यापारी वर्ग के भाई बैठे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। वास्तु शास्त्र में आता है कि जिनका दुकान का जो कैश बॉक्स होता है अगर वो उत्तर दिशा की ओर होता है तो कुबेर भंडारी का भंडार हमेशा भरा रहता है। उत्तर दिशा की ओर कैश बॉक्स खुलता है तो कुबेर भंडारी की कृपा बरसती है, भंडार हमेशा सदा भरा भरा रहता है। और जो दुकान का माल होता है वो अगर वायव्य कोण में अगर होता है, जहाँ वायु का स्थान होता है, वायु एक जगह टिकती नहीं है, घूमते रहती है, उस वायव्य कोण में अगर सामान जो सामान नहीं बिकता वो वायव्य कोण में सामान रख दें तो हवा के सामान फटाफट बिकेगा, पुराना बिकेगा तो नया आएगा, जल्दी जल्दी बिकेगा जल्दी जल्दी आएगा। और कैश बॉक्स जो है वो उत्तर दिशा की ओर खुलेगा तो कैश बॉक्स भी भरा रहेगा। लेकिन हमारा मन, हमारा ध्यान गुरु और भगवान की तरफ हमारा मुख रहेगा तो हमारे जीवन में भी ज्ञान और भक्ति का भंडार हमेशा भरा रहेगा। हरि हरि। शोभा यात्रा भारत की महान विभूति संत श्री आसाराम जी बापू के पावन साक्षात्कार दिवस के पर्व पर यह शोभा यात्रा निकाली गई है। और खाली फरीदाबाद में ही नहीं, पूरे देश और विदेश में ये विशाल शोभा यात्राएं निकाली जा रही है और अनेक प्रकार के देवी कार्य भी किए जा रहे हैं। साक्षात्कार मतलब जिस दिन आत्मा का परमात्मा से मुलाकात हो जाती है, जीव अपने शिव रूप को पा लेता है, उसी दिन को पावन साक्षात्कार दिवस कहा जाता है। आप सभी फरीदाबाद वासियों को संत श्री आसाराम जी बापू के साक्षात्कार दिवस की लख लख बधाई हो। हरि हरि। कोई कबाब का दीवाना होता है, लेकिन धनवागी वो है जो भगवान के नाम का दीवाना होता है। मीराबाई भगवान के नाम की दीवानी थी, सबरी भगवान के नाम की दीवानी थी। जो भी भगवान के नाम के दीवाने हो जाते हैं उनकी तो नैया पार हो जाती है, और इसलिए आप भी भगवान के नाम के दीवाने बनिए। धन के दीवाने, सत्ता के दीवाने, शबाब कबाब के दीवाने तो परेशान हो जाते हैं, सुबह से शाम तक सुख ढूंढते लेकिन सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख तो भगवान के नाम में है, इसलिए भगवान के नाम के दीवाने बनिए। बंजा दीवाना हरि नाम का, बंजा दीवाना।
जाती है, अपने होश से दूर चले जाते हैं। Thank you.
गोपाल की भगवान दौड़े दौड़े आए, लगन लगी थी शबरी को, शबरी के द्वार पे भगवान दौड़े दौड़े आए। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाओगे तो अंत में धूप नहीं मिलेगा। जो विश्वास, जो लगन ईश्वर में लगाना चाहिए वो अगर संसार से लगाओगे तो अंत में धोखा ही मिलेगा। इसलिए